गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस आज हम बात करेंगे टिप नंबर 8 की। सो आज हम बात करेंगे उन मार्केटिंग की दो एस्पेक्ट्स की, ऑर्गेनिक मार्केटिंग और पेड मार्केटिंग। अब आज जो हम वीडियो में आज जो बात करेंगे उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी ये कैलकुलेट करने में कि आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विस के लिए पेड मार्केटिंग यूज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या फिर कौन सा अनपेड और पेड मार्केटिंग में कौन सी आपके लिए ज़्यादा यूजफुल है। तो हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक मार्केटिंग से। मान लेते हैं आपका एक प्रोडक्ट है एक्स वाई जेड, हम उसका नाम रखते हैं। आपने उसकी मार्केटिंग स्टार्ट करी सेल्फ मार्केटिंग ऑर्गेनिक वेज में, जो भी हमारे फ्री सोर्सेज हैं आपने उनको यूज़ किया, आपने देखा और आपने उनकी मार्केटिंग स्टार्ट की। हम ये एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि आप डे फर्स्ट से 2 से 3 घंटे 2 to 3 hours अप्रॉक्स डेली के आप उसको दे रहे हैं एग्जीक्यूट करने में, और एक साल के अंदर अप्रॉक्स आपने 10,000 यूजर्स एक्वायर कर लिए हैं। सो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो आपने 365 डेज तक 2 to 3 hours डेली दिए हैं एग्जीक्यूशन में अपनी स्ट्रैटेजीज को, अपने ट्रिक्स एंड टिप्स को 10,000 कस्टमर्स एक्वायर करने में। और जो हमारा सेकंड फॉर्म है जो कि है पेड मार्केटिंग, अब हम उसको समझते हैं। अब मान लेते हैं आपने एक डिसीजन लिया, राम ने वो स्ट्रैटेजी यूज़ की ऑर्गेनिक मार्केटिंग की जो कि जिसके बारे में हमने अपने बात करी, और शाम है जो कि पेड मार्केटिंग यूज़ करना चाहता है। शाम ने पेड मार्केटिंग यूज़ की और अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, उस नीश के रिगार्डिंग, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग एक इन्फ्लुएंसर को ढूंढा और इन्फ्लुएंसर के साथ कोलैबोरेट किया। उस इन्फ्लुएंसर की फॉलोइंग है 1 लाख से 5 लाख के अप्रॉक्स। अब वो इन्फ्लुएंसर चार्ज करेगा शाम से 4,000 to 10,000 के बीच में। अब जब शाम ने उसके साथ कोलैबोरेट कर लिया है, तो शाम जब उनके साथ कोलैबोरेट कर रहा है तो 4,000 to 10,000 जो भी उनका एक्सपेंस, मार्केटिंग एक्सपेंस लग रहा है, उस बजट में उनको वो जो 10,000 एक्सपोजर आपको मिला है, सेम एक्सपोजर वो शाम को मिल जाएगा। अब आप डिफरेंस समझिए, आपने लगाए एक साल तक 2 से 3 घंटे, शाम ने लगाए 4 से 5 हज़ार रुपये और उसको सेम एक्सपोजर मिला, आप दोनों को सेम एक्सपोजर मिला क्योंकि उसने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, अपने सर्विसेज के रिगार्डिंग, जो उनके प्रोडक्ट की मैच से इन्फ्लुएंसर था, उन्होंने उनके साथ कोलैबोरेट किया। तो उनका प्रोडक्ट जो इन्फ्लुएंसर की फैन फॉलोइंग, जो भी उनका फॉलोअर्स बेस था, जो भी यूजर थे, सारे उसी नीश के थे, तो उनको सेम एक्सपोजर मिल गया एक लिमिटेड टाइम में, टू टू थ्री डेज और विद इन ए वीक के अंदर उनको एक्सपोजर मिल गया। अब आप ये देखिए कि जो आपने पूरे साल डेली कुछ आवर्स लगाए और शाम को वो सेम एक्सपोजर मिल गया विद इन सम डेज। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी प्रोडक्ट और सर्विस के हिसाब से कौन सा ज़्यादा यूजफुल है। अगर अब आप ये देख लीजिए, शाम के अप्रॉक्स 1,000 घंटे बचे हैं, 1,000 आवर्स शाम है सेव्ड इन ईयर। अब आप ये कैलकुलेट कीजिए कि आपके 1,000 घंटों की वैल्यू ज़्यादा है या वो 5 से 6 हज़ार रुपये ज़्यादा है। तो आप इसको कैलकुलेट कीजिए, आप जरा अपने आप से पूछिए कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ क्या वो उसके वर्थ है या नहीं है। अब मान लीजिए ये 1,000 घंटों में आप क्या क्या कर सकते थे, आप अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सकते थे, आप रियल कस्टमर से फीडबैक लेके उन प्रॉब्लम्स पे इम्प्रूवमेंट कर सकते थे, अपने प्रोडक्ट को एनहेंस कर सकते थे, अपनी वेबसाइट, अपने ऐप, अपनी सर्विसेज, अपने एम्प्लॉयज, इन सब में इम्प्रूवमेंट ला सकते थे। अगर आप ये सेम चीज़ करते तो वो आपको एक्सपोजर मिलता, आप वो कस्टमर यूज़ करते, वो आपको फीडबैक देते, आप उनके ऊपर और काम कर पाते। आप अभी आप जहाँ है आप उससे ऊपर लेवल पे होते, तो आपने वो जो 2 to 3 hours लगाए वो इतने इंपॉर्टेंट उस टाइम पे नहीं साबित हुए। क्यों? क्योंकि इसका एक अल्टरनेटिव था जो कि बेस्ट था। आपको ऐसे ही कैलकुलेट करना है, आपको ऐसे ही कोई पेड टूल्स या अनपेड टूल्स डायरेक्टली ही नहीं, आपको डिसीजन पे आ जाना है कि हाँ ये सही है या ये सही नहीं है। आप थोड़ा सा एक बार गैप लीजिए, पीसफुली थोड़ा बैठिए और इन दोनों चीज़ों में समझने की कोशिश कीजिए। मार्केटिंग को एक्सपेंस की तरह मत लीजिए, इसको इन्वेस्टमेंट की तरह लीजिए। अब आप इससे खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये मैं आपको बताऊँ, ये सब प्रैक्टिकल है, ये सब टेस्टेड है। अब आप खुद देखिए 1,000 घंटों की वैल्यू ज़्यादा है या 5,000 रुपये की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, ये आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें मेरे को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप ऐसे ही कैलकुलेट कीजिए और अपनी डिसीजन इस बेस पे लीजिए, अपने मार्केटिंग प्लान को इस हिसाब से एनहेंस कीजिए, उसमें कुछ चीज़ें इस हिसाब से कैलकुलेट करने के बाद ही मेंशन कीजिए कि कहाँ पे और किस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आपको पेड सर्विसेज यूज़ करनी है, किसके रिगार्डिंग आपको नहीं करनी है। इससे आपके बिजनेस की ग्रोथ जल्दी होगी, आपका माइंड फ्री रहेगा, आपको डिसीजन लेने में काफ़ी हेल्प होगी।
सो गाइस, अगर आपको ये से यूज करने के बाद अगर आपको आपको कुछ बेनिफिट होता है या फिर आपको लगता है कि हाँ मेरे ये काम में आई है, तो प्लीज अपना फीडबैक जरूर हमारे साथ शेयर कीजिए। और तब तक के लिए थैंक यू।